नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार का माहौल वर्तमान समय में चल रहा है, इसे देखते हुए महान ज्योतिष लोग अपनी अपनी गणना कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ज्योतिषीय विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपको यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि इस दुनिया के अंदर किन किन देशों को इस घटनाक्रम के अंदर नुकसान पहुंचने वाला है, तो वहीं वह कौन कौन से देश होंगे जिन्हें इस घटनाक्रम के अंदर बेताज बादशाह बनने का मौका मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जब इसका ज्योतिषी विश्लेषण किया गया, तब यह बहुत ही बड़ी घटना की ओर संकेत कर रहा है। और कौन कौन से ऐसे देश होंगे जो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और कौन कौन से देश ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए मजबूत हो जाएंगी, इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसे शक्तिशाली देशों का नाम निकाल करके उनकी कुंडलियों का विश्लेषण किया गया है, और उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करने के पश्चात जिस प्रकार का रिजल्ट हमारे सामने आया, उसे देख करके हम स्वयं हैरान रह गए। और वही रिजल्ट हम आपको प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आने वाले समय में वह कौन सा देश होगा जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नीड करने का कार्य करेगा, आपके सामने ऐसी 4 या 5 पॉइंट रखे जाएंगे, जिससे आपको बड़ी स्पष्टता के साथ इस घटनाक्रम के बारे में समझ आ जाएगा। हालांकि आने वाले समय में इस टॉपिक पर और भी कई वीडियो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर दोस्तों ज्योतिषीय विश्लेषण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है। पहला तो यह कि दोस्तों, यह जो घटना क्रम घटित होने वाला है पूरी दुनिया के लिए, इसमें भारत का जो रोल होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आने वाला समय है वह भारत के लिए स्वर्णिम समय कहा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। आज से कई साल पहले जो भविष्यवाणी पूरी दुनिया और भारत के लिए की गई है, और जो वर्तमान समय में ग्रहों के गोचर स्थिति और देश दुनिया के मजबूत देशों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरीके से किया जाए, तो आपको बड़ी स्पष्टता के साथ यह बात समझ में आ जाएगी, जो भविष्यवाणी पहले की गई है वह अब धीरे धीरे करके घटित हो रही है। जो घटना क्रम घटित होने वाला है उसने भारत का रोल बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन जो खतरनाक स्थिति होगी, जिस देश का सबसे ज्यादा खराब स्थिति होगा, वह कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका के लिए आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकसानदायक दिखाई दे रहा है। यदि आप ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर भारत और अमेरिका दोनों देश को देखेंगे, तो आने वाला समय भारत के लिए जबरदस्त रहेगा, तो वहीं अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर एक बात इस स्पष्टता के साथ आप समझ लीजिए, जिस प्रकार महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन की वजह से कौरव वंश का सफाया हो गया था, ठीक इसी प्रकार से कहीं अमेरिका की वजह से दुनिया के और कई देशों का सफाया ना हो जाए, ऐसा ग्रहों का गोचरीय स्थिति प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका की वजह से कई देशों का नामोनिशान इस दुनिया से मिट जाएगा, यानी कि आप अमेरिका को दुर्योधन के समान समझ सकते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन महाभारत युद्ध के दौरान बिल्कुल पूरी तरह से अहंकार युक्त और मलिन मन से धर्म का विरोध किया, तो उसके पक्ष में जितने भी योद्धा मौजूद थे उन सभी का सफाया हो गया, ठीक इसी प्रकार से जो अभी वर्तमान समय में अमेरिका के साथ जुड़ रहे हैं, जो देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, जो देश अमेरिका के साथ लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय एक बहुत बड़ा धोखे के समान होगा। यानी कि उनका नामोनिशान मिट सकता है, ऐसा योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है भविष्य में चल करके, जो पूरी दुनिया की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। वहां पर भारत का जो रोल होगा वह बहुत ही बड़ा, अच्छा रोल कहा जा सकता है।
और एक बात स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि इस घटनाक्रम में दुनिया के 90% देश प्रभावित होंगे और कुछ देशों का तो पूरा नामोनिशान ही मिट जाएगा। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको बता दें, जो वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, यह बहुत ही बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट बन सकता है। कई क्षेत्रों से दुनिया के लोगों को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर की स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, आने वाले समय में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश कमजोर स्थिति में चले जाएंगे तो वही भारत की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, भारत को अपनी संप्रभुता, अपने देश को बचाए रखने के लिए युद्ध में भाग लेना पड़ सकता है, क्योंकि जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होती है तो उसमें एक पक्ष का नुकसान नहीं होता बल्कि दोनों पक्षों का नुकसान होता है। जिस प्रकार से महाभारत युद्ध के दौरान कौरव का तो नाश हुआ ही, साथ में पांडवों का भी नुकसान हुआ। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु का मर जाना, महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा हत्या कर दिया जाना, दोस्तों ऐसी घटनाएं भी घटित होती है। इसलिए जो धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे उन लोगों को भी कोई छोटी मोटी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि वह समय किस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देगा। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह छोटा सा ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया होगा और भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।